मोरे राम संवरिया हो, ए भोले जोगिया हो राम। मेहतर की सुन कहानी, ओ कर रहली चढ़ल जवानी। मुल्क मद्रास शहर में था उसका यशस्थान। मिस्टर शादी नहीं भई, नई नई शादी, और उसी दिन उसी समय में नई नई शादी मद्रास राजा के भी भई। शादी भई, मिस्टर अपन शादी बिताए के दो रोज के बाद गवा राजा के अगवारे पछवारे जब झाड़ू लगाने रोड पर, तब दो लाइन शायर बा। रंग के उमंग में जवानी के तरंग में, मस्ती भरी अंग में नचावत मन ज्ञान को। राजा किनार रही ऊपर से निहार रही, मिस्टर का लड़का देखत रहा बड़ा ध्यान के। देख के निशाना दीवाना पगलाना, जनाना करूप जैसे चंद्र क समान के। तो भागीरथी ज्ञानी बुद्धिमानी कहे नारीन की, नारी के पीछे घूमते देखा जवान के। प्रमाण मिलत नारी तो बचाई ले, और नारी तो मुआए दे, लेकिन नारी तो दिखाई दे थी रामे भगवान के। सुनने वाले मित्र, एक गीत से पता चलत है कि औरत के माध्यम से भक्ति भी मिल सकत है, औरत के माध्यम से आदमी मार भी खा सकत है, और औरत के माध्यम से आदमी सब कुछ कर सकत है, और जे औरत का बात नहीं मानत उके तकलीफ भी होत है। सही बात। तमाम रामायण से गीता से पता चलता है कि मंदोदरी बहुत समझाए श्रावण नहीं माना, लेकिन पूरा लंका खराब है। तो दोस्त इसी पर टेर है गाने का, कहे तो न चाहे लेकिन आप थोड़ा इशारा समझें। दूसरे के औरत नगद बहुत लागत, ओमन से आधा अपन औरत नगद लागत नैया पार हो जाए। कहना बा अरे नयनवा कलगी के बनवा, नयनवा कलगी के बनवा, अरे मेहतर पागल हो गया लखीरानी के तनवा, नयनवा कमारी बनवा। पहरे दो रोज बियाह बीते भर रहा, चला गए झाड़ू लगावत रहे। एक नजर पड़ गई रानी साहिबा का, सड़क पर गिरा लौटत है, मालूम हो जैसे 200 ग्राम दारू पी के लटक जाए। चाचा चल गए रोड के, बात रहा कि काहे ये का बात आ, ये काही आदमी नौजवान नवा लड़का ये काहे ये ऐसा छटपटाए रहा है, का बात है इसके, बेहोशी के पानी डाल रहा था कुछ कहता। ये चर्चा चल गई,
उसके घर पर कि नई नई दुल्हन मेहतर के पता पाई खिमार दुल्हा सड़क पर गिरा लोटत व बेहोश बा बिरहा ओ लड़की रोवत भय चल रहे से पर्दा नहीं कहत कि हम काल ही आए तो आज कैसे चली पतिव्रता नारी बा कहना बा गिरी के जवानवा सड़किया के ऊपरा दुनिया सब देख घबड़ाए जी मेहतर के घरे जाके दियलेन खबरिया मेहतर का दुलहिन दौड़ी आए जी मेहतर के घरे आके दियले खबरिया हो मेहतर का दुलहिन दौड़ी आए जी देखत सजनवा के रोए जननवा लागी पति के चरण में गिरी जाए जी अरे अब तो तू अच्छा रहे बहुत अच्छा खासा घर से आई भका तो के अपने सजनवा के पकड़े जननवा लौटी जब घरवा चली आए जी अपने सजनवा के पकड़े जननवा अरे बाप रे बाप लौटी जब घरवा चली तारम आई सोचत करी का अब लेटाई के भागी भागी जाता डॉक्टर कहाँ मिली वैद कहाँ मिली माँ पति कैसे बची वैदा बोला के गोरी नारी धरावे लागी वैद आए वैद जी इस सवेरे के बेहोश है कहे मर्ज तो कोनो खास नहीं मिलता खाली टेम्परेचर गरम बा इनका कहे काहे बैदा बोला के गोरी नारी धरावे लागिन बैदा दिए नी नहीं आए जी बैदा बोला के नारी धरावे लागिन बैदा राज बोले कहन की ए दुल्हन तुम्हारे दुल्हा के कोई तकलीफ मर्ज नहीं बा कहे वैद्य जी आखिर बेहोश का ही हैं वैद्य जी कहें कि एक बात हमारे समझ में आवत कहे का वैद्य बड़ा जानकार है पहले के वैद्य तो ऐसा रहत रहे भैया कि नारी पकड़ ले तो जौन मरीज बुखार में माठा पिए रहे तो बताए दे रोटी खा रहे तो बताए दे राज वैद्य थे उन्होंने कहा हमके एक बात मिलत है नारी टेम्परेचर गरम से कहे का कौन गुजरिया से लड़ गई नजरिया कौन गुजरिया से लड़ गई नजरिया रे कौन गुजरिया से लड़ गई नजरिया हो जर्दी बदनिया गई छाए जी कौन गुजरिया से लड़ गई नजरिया हो जर्दी बदनिया गई छाए जी कौन गुजरिया से लड़ गई नजरिया हो जर्दी बदनिया गई छाए अरे उपतिवर्ता दुल्हन नई नई कहे वैद्य जी
नजर कैसे लड़त है, कहा ये सब हम नहीं जानते, कहा आप तो कहत है नजर न, कहा हमके नहीं पता, जो मालूम था हम बताए कि बैज चल दही। मेहतर बेहोश दिन भर रात भिनसा रही, रात 3 बजवा 2 बजवा में करे होश आवता। कहना है तो जब की हुआ भोर भिनसार, मेहतर दिहलेन आँख भार, तनारी पूछे कवन बीमारी बा सजनवा, नए नवा के लगे बनवा। अरे आपके कौन से मर्ज हो गए बेहोश है, तब मेहतर होश आवता तो कहत का बा। मेहतर बोला अब न जीब। अरे मेरा रुक गए, तोरे कौन पगल आई पागलपंती बात बोलत है, अब होश आओ तब कहत है न जी। अब तो जी जाबे तू, बताओ कहीं बताओ ला नहीं कहीं नहीं बताओ का बात। मेहतर बोला अब न जीब, ऐसन धरे बीमारी बात। पतिव्रता दुनहिन कहे चाह जैसे अच्छा होवे, लेकिन तो अच्छी अच्छा होए कि बा। कहा था दुल्हन पतिव्रता, तन मन धन से सेवा करबई, भगति आस हमारी बात। एक लाइन भक्ति लिख, औरत का भक्ति अपने पति के लिए समय तन मन धन सब हारता। कहा था दुल्हन तन मन धन से सेवा करबै, ए भक्ति अरिज हमारी बात। और जान दिए अगर जान बचे यार, तबो नहीं मत हारी बात। ऐसी बात बात बताई दी, कहा जल्दी कर, यहाँ समय में 4 बजे था सवेरे भिनसार हो, तो जल्दी बताओ कहीं बताई कहीं अरे पूछत है बार बार बताओ का बात। तब मेहतर कहा सुना दिल जानी, हमके बीमार कैली रानी। आ वो कौन से तो के जहर दे दी, जहर नहीं दे दी, हम गए पिछवाड़े झाड़ू लगावत रहे, खड़ी हुई हमारी में ताक दिन हम गिर पर। अरे कहा वो ताक दिन तू गिर पर, अरे बाप रे बाप, कहा तब चाहत का है। तब मेहतर कहा तूना दिल जानी, हमके बीमार कैली रानी, अमर जीना हो रानी के मिलन नए नवा कला कर। बेजोड़ प्रश्न फंसा, औरत बड़ी लंबी सांस लेता कि अरे बाप रे बाप, आप बताओ एक कहती राजा महाराजा और दूसरे हम जात के मेहतर, इतना लंबा सफन बा। सही बात, पहली बात। और दूसर बात ही, औरत कितना अच्छी हुए लेकिन औरत औरत के अपने से अच्छी नहीं मनती, इसलिए तुलसीदास जी रामायण में लिखे भी हैं कि पनगार यह देख सरूपा, और मोहन नारी नारी कर रूपा। दूसरे के मेहरारू के अब अपन मर्द जाए के बतलाए, अब हम खोज किया भी औरत
औरत से दूसरे औरत से मर्द बतलाए लागत कजनी कितना मेहरारू कहथिन कि कहो बहन देख हम का कोनो कमजोरी है का गह देख वहाँ कैती लोहराने पोहराने में बैठ के बुधुनी के माई से बतलात ये बड़ा दुखद लागत है। मेरे दोस्त कहना है ए भक्ति औरत के फिर भी हिम्मत देखिए सोचता कि जैसे बचाएं ए बचाएं ए भक्ति पर लाइन लिखिए आप तो मैं हतर किनार गई दरबार खड़ी पिछवारे धीरे में पुकारे आवाज लगावत मेहतर के औरत किरानी साहेबा अभी आवाज भयंकर 4 बजे सवेरा ही रात के राजा सोवत है रानी निकली नवाज के जब पता पाई तो मेहतर किनार गई दरबार खड़ी पिछवारे धीरे में पुकारे रानी आवाज सुनी दुखिया कर कोई तो दुखिया हमके पुकारे आवाज पहुत रानी साहब ये भी भक्ति लिखे आप रानी साहब के पास जरा से घमंड नहीं आए कि हमार का जरूरत होए कोई बोलावत होए नौकर चाकर भेज दे ऊपर ऐसे आवाज कहे का बात है भैया तो मैं रानी रोए के कहता कि सरकार सरकार आपके चरणों में हाथ जोड़ के विनती बा कहे बोलो का कहे आप के देखन के खातिर बलमुआ जीवन अपन सही में सिधारे ओ सिर्फ आपके देखने के बदे कहत हैं रानी साहब को दर्शन हो जाए और दुई बात न बतलाब तो हम पूरा स्वर्गवास करा चाहत है ये अरे देखा बदे स्वर्ग जात हैं कहे बिल्कुल अपने जीवन से जावा चाहत हैं हमारे एक कैठी भाई रानी साहब के हमारे एक कैठी दुल्हा बाटे रानी साहब का बगली दुल्हा दुचाठी होती का कहे हमें पता नहीं गरीब के हमारे एक कैठी दुल्हा बाप लोग बड़बड़वार जाने कई दुल्हा होती कहे हम तो तुम्हारे दुल्हा कहे रे एक निशाना हमार दुल्हा देख ले सरकार वो बेहोश फरार हम पकड़ के जबरदस्ती ले आई आपने देखी तो हम राण हुई जब सरकार यहाँ पर भक्ति लिखे मैं तेरा इनिया कहता सरकार आपके नहीं पता बा लेकिन आपके नजर में जादू लागत हम औरत जरूर है लेकिन आपको नजर देखे पर हमार रोमा खुल कर कना आता हाँ एक ही बोल बा कहा तोरे तोरे नए नवा में जादू मोरी रानिया तोहरे नयनवा में जादू गुजरिया तोहरे नयनवा में जादू मोरी रनिया मोरो तड़प तड़प मरत बास साहब कहते का चाहत नहीं है कहे बार बार रानी तोहरे लागी हम चरनिया 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 तोहरे हाथ जिंदा रही हमर परनिया तोहरे मिलन से दूरी हुई है बीमारी रानी
से भेंट भाई बा रानी साहब को भक्ति लिखे कहे ठीक बा हमारे मिले से तोहार दुल्हा बचा था तेसे बड़वार भक्ति क्या हो सकत और जीवन गरीब अमीर के करंट एक बा सारा संसार के रचने वाला एक बा ठीक है लेकिन ऐसे तो न मिले पाव राजा साहब की मतलब बिना हुकुम के मेरे बगीचे में एक मंदिर बा वही मंदिर पर अपने दुल्हा के जोगी बना के बैठा गरुआ बस्तर में रंग के माला वाला दे माला फेरत बैठे पूजा पाठ करे माल पानी चढ़बई करे कुछ हम भेजवाओ बिहार से और हम मिल ले भाई कायदे से मिल ले भाई। इतना सुन के रानी भागी भागी पहुंची अपने मेहतर के लाख कपड़ा उपड़ा उतार के रंगे के चक्कर में मेहतरवा खस रे तोरे कोनो बीमारी पकड़े से कहा चुप रहा काम बन गया मेरे दोस्त कहना बा तो मैतर की रानी कहने लगी पुकार सैया बन गया बात हमार नैनवा के लागल बनवा अरे सारा सारा कपड़ा दुलहिन रंग रंग नवा नैनवा के लागल बनवा सारा कपड़ा सब गिरुआ बस्तर कर दे जोगिया रंग बात है और नौलरिया माला जब पहराय के और ले आय के चली जब आगे आगे पीछे लागे अपना थोड़ी दूरिया पहुंचावे गए तो दोनों तरफ से लोग देखे लागे कि अरे ये नवा नवा जोगी कैसा लागत जैसे स्वयं कोनो अवतार आए बड़का महात्मा बहुत बहुत चर्चा चलता बहुत चर्चा चलता यही देखी भोजपुरी तर्ज भी बा तर्जवा का नमूना ये है बा गवना गवना सुनत रहली गवना ले मायरी सपना देखली माई हो सपना दिखली महतरिया का कौन सपन देखू कुरकुरा था कहें का देखू कहें माई रे सपना देखली ससुरे में दुला मरना दान माई रे सपना दोस्त लड़की सपन देखता कि हमार दुल्हा बहुत छटवार और दुल्हा का सपन देख अपने बाप से कहता तर्ज का नमूना भाई है बेटवा बाप से कहता कहते न चाहे पता नहीं कहां का पागल रहा तू का कहता कि गवना गवना सुनत रहले अरे मोरे बाबू हम सपना देखले बाप आजकल पढ़ाई लिखाई छोड़ के सपना देख
का देखे भैया बता कहाँ नैर में दुलहनी मरी लयान बाबू मई सपना देखने यही बोल में जब मेहतर जाता गिरुआ बस्तर में तो लोग देखत है चर्चा बा यही बोल बा सागरी नगरिया में खबरिया एकठी जोगी औलेन हाय एकठी जोगी औलेन अबही उमरिया बन दान एकठी जोगी औलेन कठी जोगी औले अब वही उमर व नदान एक ठी जोगी औलेन अब आधा भाग आप दूसरे बगल कैसेट में सुनिए आप कहना है कैसेट में आधा गीत इधर बा आधा पलट के बाद सुनने वाले मित्र जोगी जब गिरुआ बस्तर में जात हैं तो यही बोल में कहना भी बा सारे डगरा के लोग देखत हैं कोठा यौ अटारी सो सब देख ले निहार लोगन देख निहार एकठी जोगी औले अरे एकठी जोगी औले लोग कहाँ जैसे भगवान एकठी जोगी औले नवा मेहतर का लड़का गिरुआ बस्तर में जब मंदिर पर बैठावा गा लोग चर्चा चल गई कि जोगी नहीं भगवान आए हैं बड़ा माल पानी चढ़ा शुरू हो गया फल फूल पूड़ी मिठाई कचौरी खूब चढ़ाता अब मिस्तर का लड़का बैठे बैठे छानब घोटब शुरू बाटे दिन दुगुना रात चौगुना रोज तैयारी चढ़ी और शरीर बदन बनत चली जाता जब एक हफ्ता बीता तब एक दिन 10-11 बजे रात रानी राजा से कहत हैं मालिक एकठी आपसे विनती बा कहे बोला का बात आ रानी अपने पति से कहत हैं कहे सुने है कहे का कहे आपके बगीचा में सुना है कि जोगी नहीं वो परमात्मा आए हैं है कहे हुई ही लेकिन एक बात बाट हर औरतन के एक लालच होत है पहला लालच ये होता कि हमके दुल्हा मिले तो कोई महापुरुष अवतारी महापुरुष की नहीं मिले और दूसर लालच जब शादी हो जाते तो उनके ही लागत पहले उठी हमारे
बेटवा पैदा हो। भला ऐसा सोचे न चाहे बेटवा बिटिया तो बराबर ही होती, लेकिन लालच रहत है। तो कहत कहा राजा जी से कहली रनिया माधुरी जवानिया, राजा जी से कहली रनिया माधुरी जवानिया, राजा जी से कहली रनिया माधुरी जवानिया। साहेब, राजा साहब एक बात ध्यान दे, कहे कह का जाई बाई बिया हम बाबा का चरनवा। एकठी जोगी आए, हाय एकठी जोगी आए, गोदिया में मानव सन तान, एकठी जोगी आए लिखा आप। राजा कहे ठीक है जा सकत है। राजा साहब खियाए पियाए के सेवा सत्कार करके, राजा साहब सोवत है, रानी नहीं सोए लिखा, और रात इधर खाना पीना बनाओ थे अच्छा अच्छा, पूरी मिठाई पकवान फल फूल सब तैयारी कर खाए, और चार बजे में अपन नहाए धोए के सिंगार भी करत। तो रानी कर सरह सिंगार और अच्छा भोजन लई के भर के थार, हाय तो रानी कर सरह सिंगार और अच्छा भोजन भर के थार, अरे बड़े भिनसार पहुंच गई जोगी के समनवा, नए नवा कला गनवा बड़े सवेरे 4 बजवा 5 बजवा के बीच पहुंचे, सिंगार के थारी भरे, हर चीज फल फूल मिठाई ले, रानी पहुंचे थी कहत का है रानी कहा सुना महाराज। और वहां समय में वो जोगी बाबा नवा नवा जोगी महतर का लड़का नहा धोए को 4 बजवा माला फेरत है मंदिर में, रानी अर्ज करत है रानी कहा सुना महाराज, अरे हम भोग लगाई पे आज, ए बाबा अखिया खोल बाबा, अखिया खोल बाबा होत बिन सार, और मुझे जाता माला वैसे कैठ गिनत रहा, लेकिन सर सर हुआ गिनाता, सर सर खींचता, रानी कहीं कहा करत है कहीं सबके एक एक दाई लिखा जाए, हमार सर सराय के लिखा जाए, माफ करना। उसी समय में रानी एक दर्द भरी बात करते हैं, रानी कहत है कस जोगी बाबा एक समय रहा कि हमें बदे तड़पत रहे, आज हम बुलाओ थे तू आंखी नहीं खोल, कहत है रानी हम ही यही रानी जवन कोठे से निहारी, हम ही यही रानी जवन कोठे से निहारी, हम ही यही रानी जवन कोठे से निहारी, दूर कई लेते जोगी आपन तू बीमारी, दूर कई लेते जोगी आपन तू बीमारी, दूर कई लेते जोगी आपन तू बीमारी, बात चीत कैले कुछ मिल
बाबा नहीं हो जाए भिनसा जिया राजनी मारा बाबा मार न खोलबे अबे वो जरार हो जाए लोग देखी का कहीं फिर सोचते का कहीं सब दर्शन कर याद रहे महू आए गए बाबा रानी के दिल में भक्ति और उठता कि ये बाबा ने आंखें खोली रानी अपने हाथे से भोग लगाओ थे भोग हाँ भोग लगाओ भोग लगाओ कहते हाथे से जे अपने हाथे दूसरे के मुँह में खियाओ एक भोग कहती जमीन पर रखे वाला भोग और गोठे वाला भोग न हो असली भोग तो रानी लागी भोग लगावा और दूसरे हाथे पाओ एक हाथे मुँह में खाना ना हो तो दूसरे हाथे पाओ छुअत है कि गलती माफ कर दे बाबा बात कर तो रानी लागी भोग लगावा दूसरे हाथे पाँव दबावा अरे लागी गले लगावा जब मरा मदनवा नया नवा कल लगी के बनावा जब रानी साहबा गले के ओरी अपन मुँह ले जाए लागे तब मेहतर खाना फाना सब है रोह ठेल के रानी साहब के पाँव पर गिर क्या बात पाँव पकड़ के रोवे लगा रोवे लगा कि रानी साहब हम पर दया कर दें हम पर बख्शिश कर दें रहमत कर दें आपकी कृपा से इस मंदिर पर हम जब आए एक हफ्ता बिता हमके सच्चा गुरु मिल गए प्रभु परमात्मा के दर्शन कर आए थे हमार सारा नजर बदल दिया रानी साहब हमार तो देवी हो देवता हो माता हो सब कुछ हो मेहतर कह के दुई लाइन आल्हा बा हाय अरे धाई की चरानिया मेहतर रोए रानी का बार बार चरणन में जाई बालिया और तोहरी भगती त रानी माता कभौ नहीं भूलब और भगती में हमके तू देखौलू दाता हम चढ़ऊ बई तोरे चरनिया पे सीसा हम चढ़ऊ बई तोरे चरनिया पे सीसा हम चढ़ऊ बई हमरौ नारिया देवी कैन देव पार सारा स्वाति लक्ष्मी बनी रहो
बन के कैल संहार बड़े बड़े रचतन का काट्यू गर्दन हवा करता नहतर कि हे मालिक परमात्मा जैसे हमार जीवन बदल दे है ऐसे हमारी नए पागल पंथी के करे तो मालिक यही ज्ञान ऐसे ऐसे संसार में जरूरत है औरतन का ऐसे ऐसे देवियन की जरूरत है कि भक्ति लाइन के माध्यम से आप दातार प्रभु का दर्शन पावा अब विचार बदल गए बार बार चरणन में जाई बलहार बार बार चरणन में जाई बलहार अब नहीं छोड़ब हम हरि दर्शनवा अब नहीं छोड़ब हम हरि दर्शनवा अब नहीं छोड़ब हम हरि दर्शनवा हमरा जीवनिया देवी कैले दे तू पार अपने के रोएस और रानी अपने के सोच के खुशी होकर के वापस आवत मेरे दोस्तों इतने में मेहतरानी आए अपने पति के पास आए जान गए कि भेंट भाट रही है कहे चला घरे चला मेहतरवा का यही रहाई न दे तू घरे ना 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 क्या सच्चा गुरु आपके बताए हैं कि आप मंदिर में बैठ के खावे दूसरे कमाई खावे और बड़का महापुरुष को दर्जा भी लेबे कहें फिर कहें गुरु आपके बताएं नहीं कहें गुरु तो हमके बताएं गृहस्थ आश्रम में रहना है तो कहें फिर गृहस्थ आश्रम ही मंदिर में रहबे और जो बाबा हैं घरे सास ससुर हैं उनकर सेवा वो भी भक्ति तो आपके देखना है आओ चली तो रानी ओहर गए मेहतरानी यार अपने पति के मनावता तो दुलाहिन पति के लगी मनावे अपने दुला के समझावे काय दुला चली अपने भावना नैना का लगी बना वाले मित्र बड़े खुशियाली से दोनों परानी जब घरे पहुंची दसई रोज के अंदर में मालूम होत रहे जना 14 बरस के वनवास करके लौटा है इतनी खुशियाली लोगन के पूरा मोहल्ला जुटा आई गेन आई गेन आई गेन ओकर नईकी दुल्हनिया के दुल्हा आई गेन मौसमी गीत होता सब पूछत है का हो भौजी आप तो भैया आई गए कहे बड़ी कृपा आप सब पिक्चर में के आई गए तो लोग गीत गावत हैं एक कवि भाव दे
किसवा नवा में आई गईले बलमू सवा नवा में आई गईले बलमू बरसे बदरवा बरसे बदरवा बम छार सवनवा में आई गईले बलमू घर आए नई खुशियां मनाए सावन में आए गईले बलम उड़े लगल चुनरी हमार सावन में आए गईले बलम गैले दूल्हा हो सवनवा में आई गैले बालमा उड़े लागल चुनरी हमार सवनवा में आई गैले बालमा बरस बदरवा त चमके बिजुलिया बरस बदरवा त चमके बिजुलिया बरस बदरवा त चमके बिजुलिया अंगना में ठाड़ी गोरी चमके टुकुलिया चलत रहली पुरवा बयार चलत रहली पुरवा बयार सवनवा में आई गईले खुशियाली कुमारी रहाइश नहीं दुल्हन से महल्ला वालों भी बड़ा खुश हैं गीत गौ नहीं होता एक गरीब के हिया और कुछ हो चाहे न हो लेकिन खुशियाली में गीत गौ नहीं तो होबे कर अमवा के डरिया पर बोले कोयलिया डरिया पर बोले कोयलिया झुनझुन बाजे लागल गोरी का पयलिया झुनझुन बाजे लागल गोरी का पयलिया तो ऐसा लागता जैसे गवन के बहुआर हो सवनवा में आई गईले बलमू हवा में आ गए बलमू जैसे
खुशी अपार और संत का कोई पावे नवारा पार। अरे दुलही हंसी के नाचे लगल जब अंगा नवा नए नवा का लागल बना वाले मित्र दुल्हन खुशियाली में हंसता नाचता महल्ला वाले सब गीत गौन सुन नाचे दुल्हा कई दिना के विचार भक्ति सोचत समझत सोए नहीं रहा सोई गे तो लोग सवेरे पूछते हैं का भौजू का हाल चाल दुल्हन कहता का बताई जवान जवान ननद बहु पूछत भौजी का हाल चाल पूछत हो सजाई कसोई मोर दूल्हवा जगाए नहीं जगई बोलाए बेहोश रहें और यहाँ दाई कह थका है सोई दिन निकल आएगा कहा था दुल्हन कि सासू जा दवाई दुबारिया ना ना दाती जा हरियाई हो अरे गोइया हम हूँ जगवा सारी राती बलमा नहीं बोलई हो राम कैल जाग गए तब आप प्यार के जीवन बीतता अरे गोइया माजी माजी बेनी यहाँ डोला हो सजनवा सुख पावई मोर पलम्मा सुख पावई हो राम पतिव्रता नारी पति अज्ञा में रहते हैं वैसे सुनने वाले दोस्त आप लोग तो जानकार हैं लोग बताओ थे कि औरत कई किस्म के होते हैं चर्चा तो दासी है सुमेश कि राण जौन होते हैं राण या औरत चार पांच किस्म के होते हैं कौन कौन आसराण पासराण राण तीन रणक्का चार सती जेकर पति परदेश में बा वो आसरा पर सिंगार नहीं कर सकती वो राण रहती परदेशी के नार सदा दुखिया और बहुत जने के दुल्हा घर हैं लेकिन सौदा कतौ और होता बोल बतलाई कतौ और होता राण पति के वियोग में पागल बन के रोवत रोवत दिमाग खराब हो जाता रणक्का तो ऐसा है बाजे देखत है हर यसस हर वस वस जिसके हो ना ही देखी तो काजर टुकुली करते हैं जब देखी नहीं हर वर तो पूछ पाँच के बैठी है जो पूछे का भौजी का हाल चल ऐसे देवर चला था ये मतलब का तो कहना बा सतीराण पहले के युग में अपने पति के संगे सती हुई जात रहे तो कहना का बा अरे मरी गैया पति भरत नारी
जबकि गावई अपने दूल्हा के मनावई अपने राजा के मनावई हो ना। कथा भगती सुन के समझयो अमर सुख पावई हो अमर ज्ञान पावई हो अमर रामा। कोई न पावे अंत अरे राम कैलाश सुनावे लमाही मकनवा नए नवा कला।